सो हेलो गाइस, मेरा नाम ललित और ललित एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रिचार्जेबल टॉर्च। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए ना कोई देरी करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हमें पीसीबी पाइप की शीट बनानी है जो कि हमने गैस पे गर्म करके बना ली है। आप भी बना सकते हो ऐसे ही। और हमें इसका बॉक्स बनाना है टॉर्च के लिए। तो गाइस आप अपने हिसाब से साइज रख लेना। और ये हमने 8mm की LED ले ली है जो कि वाइट कलर में ऑन होती है। और इसकी जो बड़ी वाली लेग है वो पॉजिटिव है, जो छोटी वाली है वो नेगेटिव है। और ये हमने पेंट कर दिया है इससे ब्लू कलर का, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो इधर हमें LED लगा देनी है। और इसके हमने जो बड़ी वाली लेग है वो एक साइड में रखी है और जो छोटी वाली है वो एक साइड में रखी है, क्योंकि हमें पैरेलल में कनेक्शन करनी है, इसलिए हमने ऐसे रखा है इसे। सो गाइस ये हमने PCB पाइप की सीट से बना लिया है बॉक्स। इस पर हमने ब्लू पेंट कर दिया है। और इधर इसमें मॉड्यूल लगेगा, चार्जिंग मॉड्यूल। इधर ऑन ऑफ स्विच लगेगा। और गाइस इधर ये LED लगा दिए हमने। इसके अब कनेक्शन करेंगे, पैरेलल में कनेक्शन करने हैं हमको। सो इसके कनेक्शन करते हैं। जो इसकी बड़ी वाली लेग है वो पॉजिटिव है, तो उनका एक साइड में कनेक्शन करेंगे। और जो छोटी वाली है वो नेगेटिव है, उसका भी एक साइड में कनेक्शन करेंगे। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। जो बड़ी वाली लेग है वो पॉजिटिव है, इसे हमने रेड वायर से कनेक्ट कर दिया है। और जो छोटी वाली लेग है उसको हमने नेगेटिव वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए ऐसे हमने सोल्डरिंग आयरन से कनेक्ट कर दिया है। ऐसे ही आपको कर लेना है। सो गाइस अब इसमें हम लगाते हैं ऑन ऑफ स्विच। तो इधर हमने ये ऑन ऑफ स्विच लगा दिया है। और गाइस ये लिथियम सेल है, ये आप लैपटॉप की बैटरी में से निकाल सकते हो। ये ख़राब लैपटॉप की बैटरी आपको कंप्यूटर शॉप की दुकान पे मिल जाएगी आसानी से, 70 से 100 रुपये के बीच में मिल जाएगी। या आप दूसरी बैटरी भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसके हमने कनेक्शन कर दिए हैं। जो पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव वायर में लगा दिया हमने रेड वायर, और नेगेटिव में ब्लैक लगा दिया है। और ये चार्जिंग मॉड्यूल है, इसे हम बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाएंगे। तो इस पे लिखा हुआ है कि बैटरी का वायर कहाँ लगाना है और आउटपुट कहाँ से लेना है, इस पे नोट हुआ है। तो इसमें आप कनेक्शन करते हैं। पहले हम बैटरी के कनेक्शन करते हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव है उसको हमने पॉजिटिव वाले में लगा दिया है और नेगेटिव को नेगेटिव वाले में। तो इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें इसे LED जो बनाई है हमने इसके कनेक्शन करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव वाले में हम पॉजिटिव लगा देंगे और नेगेटिव वाले में नेगेटिव। सो गाइस कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें डबल साइड टेप लेना है। तो डबल साइड टेप है उसको हमें बैटरी पर लगा लेना है, क्योंकि हम बैटरी इस पर चिपका देंगे, लेना कहीं भी। सो गाइस मॉड्यूल पर भी लगा देते हैं। तो गाइस इसे मॉड्यूल को हमें इधर लगा देना है। इधर जो चार्जिंग केबल है उससे चार्ज होगा इधर से, ये हमने अच्छी तरह से लगा देना है इधर। सो गाइस ये अच्छी तरह से लगा दिया है हमने। इधर अब हम बैटरी लगाएंगे। तो इधर से इस डबल साइड टेप से इधर चिपका देंगे इधर। ये गाइस अच्छी तरह से चिपका देनी है, ये हिलेना बिल्कुल। तो इधर हमने ये लगा दी है। अब हमें गाइस फेविक्विक लेनी है। फेविक्विक से इस LED है उसको हम इधर चिपका देंगे। तो फेविक्विक लगा देते हैं, इसके आसपास लगा देते हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए, छूटे ना। तो आपको भी फेविक्विक लगा लेनी है अच्छी तरह से। ये लग चुकी है फेविक्विक, अब इधर हम इसे चिपका देंगे। सो गाइस ये अच्छी तरह से चिपका देनी है। तो गाइस ये चिपक चुकी है। अब हम आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो देखिए गाइस अच्छी तरह से ऑन हो रही है।
सो गाइस काफ़ी अच्छी रोशनी दे रही है, तो अब लाइट ऑफ करके ऑन करके दिखाएंगे इसे। तो देखिए गाइस, देखिए काफ़ी अच्छी रोशनी है इसकी। इसे अब हम आपको चार्जिंग पर लगा के दिखाएंगे कि चार्ज कैसे होगी ये। तो देखिए गाइस इसे चार्जिंग पर लगाते हैं, तो देखिए गाइस ब्लू लाइट ऑन हो गई है और ये फुल चार्ज है इसलिए हो गई है। अगर ये चार्ज नहीं होती तो रेड लाइट ऑन होती। सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और ऑल पे कर दें, क्योंकि जो भी हम यूट्यूब पर न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए गाइस अगली वीडियो मिलते हैं।